हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ जो लीडर काम करेगा ग्राउंड पे रिटर्न में काम कर के लोगों को काम आता है, बल्कि वो रास्ता हमारे जिला पंच, जिला राजौरी, बिलखसूस मैडर, नौशहरा, इस एरिया से जितने भी लोग हमारे बकरवाल तबका के आते हैं, अपने लोगों में जाते हैं, तो उनको भी वो रास्ता जो है वो काम आता है, वो उससे गुजर के जाते हैं। इलाका में अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसको वहाँ से उठा के नीचे तक अस्पताल में लाने के लिए या किसी PHC में लाने के लिए कम से कम 6 या 5 घंटे का सफर वो पैदल करके आते हैं। इस चीज़ का एहसास हमें बखूबी है और आपके इस दुख दर्द में हम हमेशा दिन रात खड़े हैं। आप जब भी पुकारेंगे हम आपके साथ तावन देंगे। और इन्होंने सोलर लाइट दिए हैं इलाका में, वो आज वहाँ दे रहे हैं। इलाका की आवाम भी यहाँ मौजूद है। राजौरी पुंछ के 2 डिस्ट्रिक्ट के आगे और श्रीनगर से हमारे जो खाने बदोश लोग गुज्जर बकरवाल जाते थे, कई बार रास्ते में उनके डेथ हो जाती थी, दरिया आ जाता था, उनके मार मवेशी खत्म हो जाते। पहली बार जो तारीख में इन्होंने काम किया है वो इलाका की आवाम का नहीं किया, जो श्रीनगर से लेकर पुंछ तक सब लोगों के लिए इन्होंने ये काम किया। 10 लाख का काम वो मैं नहीं मानू, उसका काम चल रहा है, वो 10 करोड़ का काम है। उसके बाद भाई साहब साइड हो यार। मेरा नाम उमर अली है, मैं हिलका का गांव का रहने वाला हूं। हम आज यहां सुनकोट में इकट्ठे हुए हैं तहसील के पास। हमें DDC शाहनवाज चौधरी साहब ने लाइटें फराहम की हैं और हमें आज हमारे देश को आज़ाद हुए 75 ईयर हो गए हैं, लेकिन आज तक हमें कोई बुनियादी सहूलत नहीं मिली। हमारी कोई रोड का काम नहीं चला, कोई कुछ नहीं। हमें दरिया से गुजर कर हिलका का जाना पड़ता है पैदल, हमारा वो 8-9 घंटे का रास्ता है। तो कोई भी उधर अगर बीमार हो जाता है, कोई हॉस्पिटल, कोई फैसिलिटी नहीं है, उसकी उधर ही डेथ हो जाती है, कोई भी कैजुअलिटी हो जाती है। तो आज तक हमें किसी ने कुछ नहीं दिया, लेकिन आज हमें शाहनवाज चौधरी साहब ने इधर बुलाया और बुला के हमें मतलब सोलर लाइटें फराहम की हैं, कम से कम 150-200। तो ये आज पहली बार किसी ने मतलब हमें बुला के इतना दिया है। बड़े बड़े MLA MPs रहे हैं, तो हमारा मतलब हमें जाना पड़ता है उधर से, यहाँ से कुलाली तक हमें गाड़ी पे जाना पड़ता है, उधर से हमारे आगे 5 घंटे का रास्ता है। और वहाँ का रास्ता किसी ने बनवाया है? हाँ, शाहनवाज साहब ने दरिया के साइड से रास्ता बनवाया है। वो 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था, वो रास्ता अभी क्लियर हो चुका है, अच्छा रास्ता बना है। लेकिन आज तक हमें किसी ने कुछ नहीं दिया, लेकिन हम के इनके शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हमारा रास्ता बनवाया, अब रोड का काम चलने वाला है। और हमारा तो मैं मतलब ये सब सुनकोट की आवाम से, बहनों से, भाइयों से, हमारी यूथ है, बुजुर्ग हैं, सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि शाहनवाज साहब एक ग्रेट लीडर हैं, उनको आगे उनका हाथ मजबूत करें और ताकि वो हमारे जो भी मसले मसाइल हल करेंगे, इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि वो हल करेंगे, वो डेडिकेटेड बंदे हैं। मोहम्मद रशीद, हमें बहुत खुशी हुई है, लाइट जो हमें मिली है और हमारा रास्ता भी बनवाया। कोई 76 साल से गिर गया, 6 बार नाला क्रॉस होता था, कोर्ट में गिर जाती थी, बूट रूट जाते थे, कभी जो अब 2-3 दिन रुकना पड़ता था, नाला क्रॉस नहीं होता था। अभी एक रास्ता कंटी हमारा बनाया था, हम उसका बहुत शुक्रगुजार हैं कि 73 साल के बाद हम रास्ते नाले से हमारी जो जान मुझे आई। मेन रोड की बहुत बड़ी ज़रूरत है, इतना पैदल नहीं चल सकते। मैं वहाँ का डीलर भी हूँ, मेरी सिर्फ इस महीने में 8 पर्ची निकली, लोग ढोकू से आते ही नहीं। 30 किलोमीटर हिलका का वन नेटवर्क है ही नहीं। तो आज यहाँ लाइट तकसीम हुई हैं, तो किस तरह लाइट तकसीम हुई है राशन कार्ड के मुताबिक हम बहुत खुश हुए हैं। तकरीबन 232 लाइट मिल रही है, हमें बहुत खुश हैं। ढोकू से हम यही देते जो अखबार हमारा काम चल रहा है, जो अब सिर्फ काम कर रहा है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तहसील के अंदर, उसका हाथ बताना चाहिए और उसकी खुशी होनी चाहिए कि आने वाले वक्त में इंशाल्लाह बहुत दूर जाते हैं। ये देखो गिरकर फट बालू ने खाया हुआ, मक्की मारी होती नहीं, स्लिप कर करके। तो हम बहुत उसका शुक्रगुजार हैं जो हमें रास्ता मिल गया।
नमाज की मेहरबानी है सब। और हमें 70 साल के बाद भी एक खचरों की रोड दी है, वो भी उनकी मेहरबानी हुई है। MLA यहाँ आए हैं प्लाट फूड कोर्ट में, हमें कुछ नहीं मिला, इनकी बड़ी मेहरबानी। और अच्छे आदमी आने वाले सलाम में भी हमें इनकी तावन करेंगे जैसे हमारी कर रहे हैं। तो पिछड़े हुए लोग इसके पूछ में, जैसे श्रीलंका में एक हिस्सा ऐसा है हिलता के था, वहाँ हमारे को वोट देता ही नहीं, ना गोट मिलता, कोई मारा मिले, ना कोई हकीकत को देगी।